हेलो एवरीवन, ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एरिया एंड वॉल्यूम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं और एक टाइप के क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाते हैं, जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि पार्ट वन में आपको शॉर्टकट फॉर्मूले से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें एरिया एंड वॉल्यूम के वही क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट वन है, इसमें एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, ऑप्शन के साथ हमने लिखे हुए हैं, और क्वेश्चन को करना कैसे है ये भी आपको बताएंगे। देखिए, जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, वन साइड। देखिए, इसके जो फॉर्मूले हैं वो हम इससे पहले करवा चुके हैं, जो केवल फॉर्मूले का वीडियो था। इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें देखिए, वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 15 सेंटीमीटर। पहले एक रेक्टेंगल बना लीजिए, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें आपको दे रखी है, एक साइड 15 दे रखी है 15 सेंटीमीटर, एंड वन ऑफ इट्स डायगनल इज 17, मतलब ये डायगनल है जो 17 मीटर दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, ठीक है, तो इसका एरिया निकालोगे कैसे? अगर आपको ये साइड पता चल जाए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये एल मान लिया और ये बी है, अगर आपको बी पता चल जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए कि ये एक ट्राइंगल है और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। अब देखिए, अगर ये 17 होता है, ये 15 होता है, तो ये 8 होता है, ये आपको याद करना है। और अगर याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। तो h कितना है, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आपको निकालना है, और p स्क्वायर आपका 15 दिया है। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे और इसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे जो भी आएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका 8 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दी है, और वैसे भी अगर डायगनल 17 होता है और एक साइड अगर 15 है तो दूसरी साइड 8 होती है, ठीक है। अब इसका अगर एरिया निकालना होगा तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी, मीन्स 15 इंटू 8, मतलब 120, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज्ड बाय 50%, ठीक है, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया, मतलब किसी भी सर्कल की रेडियस। आप देखिए, एक फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, शॉर्टकट तरीके से ओरल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला कब कब लगता है, एरिया ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो वैल्यू माइनस लेनी है, इंक्रीज हो रही है तो वैल्यू को प्लस लेना है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो इंक्रीज होगा, नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और 50%, तो ए इज इक्वल टू माइनस 50 होगा और बी भी माइनस 50 होगा, दोनों वैल्यू आपको सेम लेनी है। और ये फॉर्मूला किसमें अप्लाई होगा, सर्कल में, रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में, ये सभी में ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अभी हम इसमें जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी इसी मेथड से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ डिक्रीज हो रहा है, ए की वैल्यू माइनस 50 आ गई, तो बी भी माइनस 50 है, पुट कर देंगे, परसेंटेज इज इक्वल टू माइनस 50 माइनस 50 प्लस माइनस 50 इंटू माइनस 50 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल हो गए, ये कितना आ गया, माइनस 100, और माइनस इंटू माइनस प्लस 25, ठीक है। तो माइनस 75 आ गया, यानी 100 नेगेटिव का है, माइनस का है, और ये प्लस का है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 75। अब ये माइनस क्या शो करता है कि 75% जो है वो एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल ईच साइड इज इंक्रीज बाई 20, ठीक है। अगर 20 हर साइड 20% इंक्रीज हो जाए तो एरिया पे कितना इफेक्ट आएगा, सेम फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100,
ठीक है, हम क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं, आप इसको ओरल भी निकाल सकते हैं। अब क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है तो ए की वैल्यू 20 पुट करेंगे और बी भी 20 पुट करेंगे, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, तो 20 + 20 + 20 × 20 / 100, जीरो से ये दोनों कैंसिल हो गए, ये कितना हो गया 40 + 4। ठीक है, यानी कि 44% पॉजिटिव आया है, इसलिए इंक्रीज होगा। क्लियर? ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है ये समझ लीजिए। अ टॉवल व्हेन ब्लीच्ड वाज फाउंड टू हैव लॉस्ट 20%। एक टॉवल को अगर ब्लीच किया गया तो उसकी साइड जो है 20% लेंथ जो है डिक्रीज हो गई और 10% उसकी ब्रेड डिक्रीज हो गई, यानी दोनों डिक्रीज हुई हैं, यानी दोनों वैल्यूज क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है, तो ए हो गया -20, बी हो गया -10। फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 -10, ये आ गया ना, प्लस -20 × -10 अपॉन 100, 0 कैंसिल हो गए, कितना बचा -30 और -(-) प्लस, यानी कि -28 मींस 28% डिक्रीज, मींस बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? मतलब इस फॉर्मूले के अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे और कैसे यूज करना है तो आप क्वेश्चन को ओरल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%। ठीक है, 60% इंक्रीज हो गई, बाय व्हाट परसेंट वुड विथ टू हैव डिक्रीज्ड सो एज रिमेन मेंटेन द सेम एरिया। मतलब देखिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, जब भी कभी एरिया रिमेन सेम हो अगर, तो आपको फॉर्मूला हमेशा लगाना है आर अपॉन 100 प्लस माइनस आर इंटू 100। ठीक है, अगर यहां इंक्रीज होगा तो प्लस लेंगे, अगर डिक्रीज होता तो माइनस लेते। क्लियर? अब वैल्यू पुट करिए इसमें, आर की वैल्यू कितनी होगी 60, तो 60 अपॉन, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है तो हमें प्लस लेना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 100 प्लस 60 इंटू 100, कितना आ जाएगा ये 60 अपॉन 160 इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब इसे कट कर दीजिए, दो से दो अठे 16, दो तीन 6, फिर दो से कट कर दीजिए, दो चौक 8, दो पंचे 10, दो दूनी 4, दो पंचे 10, 15 × 75/2, यानी कि दो तीन 6, दो सत्ते 14, 1/2%, मतलब कितना आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब कोई भी चीज लेंथ या ब्रेथ को एडजस्ट करना है कि एरिया उसका सेम रहे। क्लियर? तभी लगाएंगे। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ की। सिक्स समझ लीजिए, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इंक्रीजेस बाय 30%। अगर रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया 30% इंक्रीज हो जाए और ब्रेथ जो है और सेम रहे तो क्या होगा, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ न्यू एंड ओल्ड फिगर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ओरल क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब कि एरिया अगर इतने परसेंट इंक्रीज हो जाए तो अगर 100 होता एरिया पहले एरिया अगर होता 100, तो बढ़ने के बाद एरिया कितना हो गया 100 + 30, 30% बढ़ गया, तो 30% ऑफ 100 हो गया, तो यानी कि ये नया एरिया 130 हो गया। अब न्यू एरिया और ओल्ड एरिया में डिफरेंस बताना है, यानी आपको क्या निकालना है, a1 / a, यानी 130 / 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 13:10 मींस ए ऑप्शन करेक्ट है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ध्यान से करिएगा इसको। आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, अगर यहाँ पे पहले ओल्ड होता या न्यू होता तो ये रेसिप्रोकल हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। सेवेंथ में देखिए, एन एरर ऑफ 2% इन एक्सेस इज मेड व्हाइल मेजरिंग द साइड।
ठीक है, एरर है उसमें, लेकिन ये एक्सेस में मतलब ज्यादा मेजर हो गया है 2% स्क्वायर में. फाइंड द परसेंट एरर इन कैलकुलेटेड एरिया ऑफ स्क्वायर. तो परसेंटेज इज इक्वल टू कितना होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, क्योंकि चीज ज्यादा एक्सेस में मेजरमेंट हो गया इसका. तो आपको क्या लेना है, ये प्लस लेना है, ए 2 होगा, बी भी 2 होगा, 2 इंटू 2 बाई 100 दैट इज 4 प्लस 4 बाई 100, मतलब 4 प्लस 4 दो जीरो हैं तो एक दो ऐसे, और इसको प्लस कर दीजिए, यानी इतने परसेंट ये आंसर होगा, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया. क्लियर. जब भी कभी नीचे जीरो आए तो उसको कट मत करिए, नहीं तो डिवाइड करना पड़ेगा. आप जीरोस के फॉर्म में ही रहने दीजिए, और जितने जीरो हैं उतने पॉइंट डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा दीजिए. ठीक है, चलिए आगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीजेस बाय 69%, अगर एरिया 69% बढ़ जाए तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज द साइड ऑफ स्क्वायर. देखिए अभी तक जो क्वेश्चन आ रहा था उसमें साइड इंक्रीज हो रही थी और एरिया पूछ रहे थे, और इसमें एरिया इंक्रीज हो रहा है, साइड पूछ रहे हैं. ऐसे क्वेश्चन को सेम फॉर्मूला लगा के यूज करेंगे, लेकिन सेम फॉर्मूला इसमें यूज हो जाएगा, लेकिन क्या करेंगे इसको बाई ऑप्शन कर लीजिए. ठीक है, अगर मान लीजिए ए ऑप्शन करेक्ट होता तो हम सेम फॉर्मूला लगाते, 30 प्लस 30 प्लस 30 इंटू 30 बाई 100, मतलब ए और बी दोनों 30 ले लेते. ठीक है, अब 30 पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे जब एरिया इंक्रीज हो रहा है तो साइड भी इंक्रीज होगी, तभी तो एरिया इंक्रीज होगा. क्लियर, तो हमें दोनों वैल्यू प्लस ले ली. अब इसको सॉल्व करिए, 60 हो गया और ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, मतलब 9, यानी 69% आ गया. यानी कि देखिए ये कितना है, 69% ही दिया है. ये दोनों अगर सेम आ गए तो इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया. तो ऐसे क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन करिए, वो देखने में पता चल जाता है कि ए ऑप्शन इसका होगा. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ लीजिए कैसे करना है. द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज डिक्रीज्ड बाय 20%. इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो 20% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो फाइंड परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया. वेरी गुड, सेम क्वेश्चन है. परसेंटेज इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100. ठीक है, अब ए आपका लगेगा -20 और बी भी होगा -20, पुट कर दीजिए तो कितना होगा, -20 प्लस -20 इंटू -20 अपॉन 100, दो जीरो से कैंसिल हो गया, -40 प्लस 4 यानी कि -36, यानी 36% डिक्रीज, क्योंकि माइनस में आ रहा है इसलिए वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. क्लियर, तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा. चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल डिक्रीज्ड बाय 40%. ठीक है, एंड इट्स बेस इज इंक्रीज्ड बाय 40%, मतलब क्या होगा, ए जो है वो डिक्रीज हो रहा. पहले हम यहां वैल्यू लिख लें, ए -40 है, ठीक है, और बी कितना है, 40 प्लस का. अब परसेंटेज का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, ए हो गया -40, बी हो गया 40 प्लस ए हो गया -40 इंटू 40 बाय 100. ठीक है, दो जीरो कैंसिल हो गए, मतलब कितना है, ये दोनों तो कट गए, पॉजिटिव और निगेटिव था, ये कितना आ जाएगा, -16 मतलब 16% डिक्रीज, मींस बी ऑप्शन करेक्ट हो गया. क्लियर, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 11th. 11th क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 6%, इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, ए हो गया 6, बी भी हो गया 6, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया. ठीक है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, दैट विल बी 6 प्लस 6 प्लस 6 इंटू 6 बाय 100, दैट इज 12,
एंड 36/100, 36/100 को क्या लिखेंगे, 0.36, टोटल कर दीजिए 12.36% पॉजिटिव है, इसलिए इंक्रीज हो गया, मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, मतलब ये फॉर्मूला अगर आप लगाना सीख गए ना तो आप क्वेश्चन को ओरल कर पाएंगे, टाइम भी सेव होगा और 100% क्वेश्चन भी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल डिमिनिश्ड बाय 10%, डिमिनिश्ड मतलब कम हो जाना, तो यानी कि अगर ए जो है -10 है तो बी भी आपको -10 लेना पड़ेगा। फाइंड परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया, तो परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, तो दैट इज -10 प्लस 10 प्लस -10 इंटू 10 बाई 100, दैट विल बी 0, 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गए, एक मिनट कहाँ गड़बड़ हुई है, दोनों -10 है, इसको सही करिए जरा, दोनों ही -10 है, यहाँ भी माइनस लगेगा, हटा के दोबारा करती हूँ, -10 प्लस -10 इंटू -10 अपॉन 100, ठीक है, 0, 0 कैंसिल हो गया, ये कितना होगा -20 प्लस 1 यानी -19, मीन्स 19% डिक्रीज, मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, वैल्यूज का ध्यान रखिएगा, अगर माइनस लेना है तो इस तरीके से पूरा सॉल्व करना है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन भी है, समझ लेते हैं पहले। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डबल्ड, अगर कोई सर्कल की रेडियस को डबल कर दे तो परसेंटेज कितने परसेंट उसका बढ़ेगा, एरिया, एरिया कितने परसेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगा दीजिए एन स्क्वायर -1% इंटू 100। ठीक है, जहां पे एन क्या है, अगर डबल होगा तो एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे, अगर ट्रिपल हो जाएगी, रेडियस ट्रिपल हो जाए तो एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे। क्लियर, तो यहां पे एन इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो 2² - 1 इंटू 100% मतलब 4 - 1 यानी 3 और इंटू 100 300% मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने 13 क्वेश्चन सॉल्व किए और वो भी एक फॉर्मूले से सॉल्व किए हैं, एक दो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट थे बट वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, उसको जरा प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा और 13 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो इनके प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस आप कर ली तो आपके क्वेश्चन 100% करेक्ट होंगे क्योंकि एक ही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में। तो चलिए मैं वीडियो ओवर करती हूँ, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन, जय हिंद जय भारत।